अलीगढ़ में द परसू एडवांस फिजियोथेरेपी क्लिनिक के चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर का रविवार को शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन भगवान श्री गणेश के समक्ष दीप जलाकर एवं नवजात शिशु अभियान द्वारा फीता काटकर किया गया। द परसू की डायरेक्टर डॉ. पारुल वार्ष्णेय ने बताया कि मदर्स डे के अवसर पर चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर उन विशेष बच्चों और उनकी माताओं को दिया गया गिफ्ट है, जिसके द्वारा इन विशेष बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास क्षमता के अनुसार हो सके तथा ये सामान्य बच्चों के साथ सामान्य तरीके से क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय कर सके। इस मौके पर शालिनी, सावित्री गोयल, चारू, उमा, विनीता, नीरू, अहाना, अमित, प्रदीप मल्होत्रा, कृष्णा, कृतिका, जतिन आदि मौजूद रहे। पहले तो आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी। मैं डॉक्टर पारुल वार्ष्णेय, डायरेक्टर ऑफ परसू फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स, लक्ष्मीबाई मार्ग, मैरिज रोड से। और आज मैंने अपने इस यहाँ पर जो रखा है वो चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन किया है और उसकी शुरुआत करने की कोशिश की है। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर है क्यों और किस लिए जरूरी है। आज भी जैसे कि आपको पता है कि मेडिकल साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, बहुत सारी बच्चों की डिसीज पे उसने कंट्रोल भी किया है, लेकिन अभी भी बच्चों में हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है कुछ तरीके की, वो आज भी दिखाई दे रही है, जैसे कि ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, सेरिब्रल पाल्सी है, हाइड्रोसिफेलस है, माइक्रोसिफेलस है, आपकी बच्चों में लर्निंग की भी डिसेबिलिटी पाई जा रही है, स्लो लर्नर हो रहे हैं वो, सीटी भी, बहुत सारी डिसीज हैं जो अभी भी बच्चों में कंजेनाइटल देखने को मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं सारी डिसीज हमारे न्यूरो डेवलपमेंट पर निर्भर करती है और इनको ट्रीट करना आज भी मेडिकल साइंस में एक चैलेंज है। तो इसके लिए हम है ना यहाँ पर मैंने ये चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर बनाया है और ये एक टीम वर्क है जिसमें कि एक फिजियोथेरेपिस्ट, एक बिहेवियर थेरेपिस्ट और आपका एक साइकेटिस्ट और एक स्पीच थेरेपिस्ट, इस तरह से सभी लोग जिस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम है हम एक टीम के साथ इसमें काम करने की कोशिश करेंगे और इन बच्चों के डेवलपमेंट के लिए यहाँ एक विशेष सुविधा का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आज का दिन मदर्स डे है तो मैं अपनी मदर्स डे पर इस तरह का आयोजन इसलिए कर रही हूँ आज के दिन पर, क्योंकि ये जो माँ सारी ही अपने बच्चों के लिए केयरिंग है, लेकिन इस स्पेशल बच्चों के लिए जो माएँ होती हैं वो स्पेशल केयर की नीड करते हैं ऐसे बच्चे, तो उनके लिए मैं ये गिफ्ट देना चाहूँगी बच्चों के लिए, उनकी माओं के लिए जो इस तरह की प्रॉब्लम वाले बच्चों से जूझ रही हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पर उस तरीके के ट्रीटमेंट देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी।